पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और मारूफ टीवी एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी कर ली। तफसीलात के मुताबिक समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी तीसरी बीवी के हमरा तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि गुज़श्ता रात मैंने 18 साल सैयदा दानिया शाह के साथ निकाह कर लिया है। दानिया एक महजब नजीब सादात खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर लोधरा से है। इंस्टाग्राम पोस्ट में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपने चाहने वालों और मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त भी की और गुज़श्ता शादी से मुतालिक कहा कि मैं एक अंधेरी सुरंग से निकल कर आया हूँ, मैं गलत सिमत में मुड़ गया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की इस शादी ने एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया सार्फीन ने रुकन कौमी असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें इनके बच्चों की याद दिलाई तो इंस्टाग्राम पर अगली पोस्ट में उन्होंने अपने बच्चों के हमरा तस्वीर शेयर की और कहा कि अफवाहें फैलाने वालों, ये दोनों मेरी दुनिया है, मैं इनका बाप हूँ और मुझे अच्छी तरह इल्म है कि मैंने अपने बच्चों से किस तरह प्यार करना और किस तरह उनका ख्याल रखना है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रात अदाकारा और मॉडल तूबा अनवर ने तस्दीक की थी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली और टीवी मेज़बान और स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन से खुला ले ली है। सैयदा तूबा अनवर ने अपनी ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट में तस्दीक की कि इनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त जानते हैं कि उन्होंने 14 माह कबल ही शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली थी।